हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडी का। हम पढ़ रहे हैं एट्थ क्लास की सिक्स बुक का चैप्टर फिफ्थ, जुडिशरी। तो आज लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तीन कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद था लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या ये डिफरेंट लेवल्स जो हैं कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है या लोअर लेवल कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो ये क्या कनेक्टेड हैं एक दूसरे से? यस दे आर, हाँ ये हैं। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम, मीनिंग इसका मतलब ये है कि दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। अनदर वे टू अंडरस्टैंड, हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो अपील का सिस्टम है इंडिया में। इसका मतलब ये है दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हाई कोर्ट। अगर उसे ये यकीन है कि मेरा जो फैसला हुआ है उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेट अस अंडरस्टैंड, चलो हम ये एक अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा ही एक केस है जिसे हम ये बात अंडरस्टैंड करेंगे। वट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम बाय ट्रेसिंग अ केस, एक केस से हमें ये पता चलेगा। एक केस है ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, और दूसरे हैं ये 1985 फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट से ये केस फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक गया? फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा, ए लक्ष्मण एक आदमी है था, उसकी शादी सुधा गोयल से हुई और वो एंड दे लिव्ड इन ए फ्लैट इन दिल्ली विद लक्ष्मण्स ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज। तो वो जो लड़की थी सुधा, वो अपने लक्ष्मण के साथ, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसकी फैमिली और उसके भाइयों के साथ रह रही थी। ऑन सेकेंड दिसंबर को 80 में सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स, तो उसकी डेथ हो गई 2 दिसंबर 1980 में सुधा की डेथ हो गई हॉस्पिटल में, क्योंकि वो जल गई थी। हर फैमिली फाइल्ड ए केस इन कोर्ट, तो जो उसके फैमिली थी सुधा के, जो मायके वाले थे, जो लड़की के पेरेंट्स थे, उन्होंने केस किया फाइल। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, जब ये केस ट्रायल कोर्ट में सुना गया, फोर ऑफ हर नेबर्स वेयर कॉल्ड इन एज विटनेस, तो चार उसके जो पड़ोसी थे उन्हें एज ए विटनेस, मतलब कि एज ए गवाह के तौर पे उन्हें बुलाया गया। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1st, उन्होंने देखा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि 1 दिसंबर की रात को दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट, सुधा चीख चिल्ला रही है और उसे फोर्स किया जा रहा है लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ। देर दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स, तो उन्होंने देखा कि सुधा कैसे अपनी साड़ी में साड़ी पहनी हुई थी उसने, तो किस तरह से उसे आग लगी हुई थी। दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग, तो वो बुझाने की कोशिश कर रहे थे उसे, आग रैप कर रहे थे किसी ब्लैंकेट से, किसी बैग से, रैपिंग सुधा इन ए गिनी बैग एंड ए ब्लैंकेट। सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड पोर्ड केरोसिन, सुधा ने उस टाइम ये कहा था कि मेरी जो सास है उसने
उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर ऑन हर एंड दैट, और मिट्टी का तेल शकुंतला, सुधा की सास जो शकुंतला थी उसने फेंका और लक्ष्मण ने आग लगा दी ड्यूरिंग द ट्रायल। तो इस दौरान मेंबर्स ऑफ सुधा फैमिली, जो मेंबर्स थे जो उसके पेरेंट्स थे सुधा की फैमिली के एंड ए नेबर और उसके पड़ोसी, स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉज, टॉर्चर बाय हर इन लॉज, तो उसे टॉर्चर किया गया, उसे मारा गया, एंड दैट दे वेयर डिमांडिंग मोर कैश, वो टॉर्चर कर रहे थे उसे कि वो उससे ज़्यादा पैसा मंगवा रहे थे, बोलते थे कि अपने मायके वालों को बोलो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें, एक स्कूटर दें एंड ए फ्रिज दें ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे की बर्थ के टाइम पे वो उसे ये सब चीज़ें दें। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा सारी हैड एक्सीडेंटली caught fire while she was heating milk, तो सुधा की सास और उसके हस्बैंड ने कहा कि जब वो दूध गर्म कर रही थी तो उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली। On the basis of this and other evidence, तो इन सब की वजह से और जो सबूत थे, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. तो ट्रायल कोर्ट ने इन सब को क्या किया, शकुंतला, सुधा की सास शकुंतला को, ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र जो था और इसके हस्बैंड को, इन तीनों को मौत की सज़ा दे दी। इन नवंबर 1983, नवंबर जब 1983 में क्या हुआ कि द थ्री एक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट, जो ये तीन थे ये कहाँ गए, हाई कोर्ट में गए टू अपील, उन्होंने अपील की अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट, जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसके खिलाफ उन्होंने अपील की। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑफ ऑल द लॉयर्स, तो जो ये बहस हुई इनके बीच में, वकीलों के बीच में, लॉयर्स के बीच में, डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव, तो ये फैसला हो गया कि वो किसकी वजह से उसकी डेथ हुई, एक्सीडेंटली वो आग पकड़ ली साड़ी ने जब वो दूध गर्म कर रही थी तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लक्ष्मण शकुंतला एंड सुभाष चंद्रवीर एक्विटेड। यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमन्स मोमेंट इन योर क्लास सेवन्थ बुक, यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980s वुमन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डॉवरी डेथ्स, तो आपको याद होगा कि आपने सेवन्थ की बुक में ये पढ़ा था कि किस तरह से 1980s में वुमन्स का एक ग्रुप था जिन्होंने बोला था किसके बारे में, किसके खिलाफ, डॉवरी डेथ्स के खिलाफ। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, वो इसको इंसाफ दिलाने में फेल हो रहे हैं। द अबो हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमन एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइल्ड ए सेपरेट अपील अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमन लॉयर्स, तो क्या हुआ कि जो ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, डीपली ट्रबल्ड वुमन, तो इससे औरतें परेशान हो गई एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की, उन्होंने एहतजाज किया और एक सेपरेट अपील की फाइल अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने अपील की, जो ये फैसला दिया गया था, कहाँ किया इन्होंने ये, हाई कोर्ट की, अब इन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में थ्रू द इंडियन फेडरेशन के ज़रिए इन्होंने की वुमन लॉयर्स ने। इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड
दिस अपील, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील सुनी अगेंस्ट द एक्विटेड ऑफ लक्ष्मण एंड द टू मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो उन्होंने ये फिर ये सारा कुछ फिर बहस सुनी, फिर इस पर फैसला क्या लिया, द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट बहस मवैसा जो हुआ लॉयर्स के बीच में एंड रीच्ड अ डिसीजन, इस फैसले पर, इस नतीजे पर पहुँचे दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट। ये टोटली अब डिफरेंट था हाई कोर्ट से। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी बट acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him। उसके जो उसका भाई था, जो उसका सुधा का देवर था, उसके खिलाफ इतने कोई भी सबूत नहीं थे। The Supreme Court decided to send the accused to prison for life। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उन्हें उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स इन नामची साउथ सिक्किम, ये वहाँ की कोर्ट है, अदालत है। यहाँ पे क्या है, द सबॉर्डिनेट कोर्ट इज मोर कॉमनली नोन बाय मैनी डिफरेंट नेम्स, दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सिविल जज, ये सब बोला जाता है इन्हें। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है, तो बाकी का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू।